बन जाए। गंगा गंगा कहाँ चली गई यार? ए गंगा ए गंगा कहाँ चली गई यार? इतनी देर से चिल्लाए रहे हो तुम, कहाँ हो यार? अरे देव न लेओ सुन तो लेओ यार। गंगा एक ही सर बहुरिया जाके देख काहे चिल्ला रहा और बताए देना ओका कि गंगा यहाँ नहीं है, मार हुलस हुलस के ना चिल्लाए। ला हमका दे दे मुन्ना को। गंगा बाबूजी, सकती है वो गंगा कहाँ है? बाबूजी गंगा घर पर है नहीं, वो बाहर गई है। का मतलब घर में नैना? अरे बाहर कहाँ गई है? पता नहीं बाबूजी, कोनू को बता के नहीं गई। अरे तो बता के जाना चाहिए था ना, पता नहीं कहाँ गई। और तुम सब भी ना कुछ नहीं करते बस। अरे बच्ची है, इलाहाबाद के बारे में कुछ नहीं जानती, अजान है कतहो खोए खवाई गई ना तो बहुत बुरा होएगा। तुमको बता दे रहे हैं रे सकती है बहू, ये घर की औरतें ना अपरबल हो गई हैं, बहल्ला बाहर घूमे के शौक चल रहा है। जाओ तुम, आओ जाओ, तुम क्या कर वो यहाँ खड़ी हो के जाओ। और सुनो पता करो जाए के आ जाए ना तो हमरे पास लेके चलिए ना, भेज दियो समझो। साली कमर का धोखा दे दीस न, ये घर में का हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है। तेरे के अरे गंगा कहाँ गई रही? सज्जन कब से बुलाए रहा, गई कहाँ रही? दूर नहीं गए थे, यही बाजार तो गए थे। तो बता के जाना चाहिए ना, जा देख का काम है, बिना बताए ना जावा कर। ले मातारी आ गई। अरे भाभी ये आप क्यों कर रही हैं? आप जाके आराम कीजिए, हम कर लेंगे, जाइए। अरे नहीं अरुसी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। भाभी क्या बात है, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं भाभी, बताइए हमें। वो आरुषि, हम ना सासू अम्मा के बारे में सोच रहे थे। मम्मी तो आने ही वाली थी, दरअसल पापा ने मम्मी को रोक दिया। नानी की तबीयत बहुत खराब है ना, वो आईसीयू में है, पर आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी भाभी आप क्यों परेशान होती हैं, मम्मी जल्दी आ जाएगी। और वैसे भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग हैं ना आपका ध्यान रखने के लिए, है ना भैया? और भाभी एक बात बताएं आपको, आप ना हंसती बोलती ही अच्छी लगती, ऐसे उदास रहती है ना तो मजा नहीं आता। अरे अरे मुस्कुराए दो यार। उस दिन उस कार एक्सीडेंट में मैंने मेरा पूरा परिवार खो दिया। अब बस
मैं जिंदा बचाऊं अपने परिवार में। हमें नहीं पता था बेटा कि तुम्हारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। खैर, उस हादसे के बाद मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश की है सर। मेहनत करके स्कॉलरशिप पाई, तब जाके कहीं इस कॉलेज में दाखिला मिला। बड़ी मुश्किल से एक कमरा लौट हुआ था सर, लेकिन यहाँ आकर देखा तो उसमें पहले से कोई रह रहा है। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं कहीं बाहर कमरा लेकर रह सकूं और अपनी पढ़ाई खत्म कर सकूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जो लोग तुम्हारे कमरे में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो गुंडे और बदमाश लोग हैं बेटा। हम अकेले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें तंग करते ही रहेंगे। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया सर, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन सर मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मेरी वजह से परेशान हो। हर एक के जीवन में एक संघर्ष होता है, ये मेरा संघर्ष है। कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल लूंगा। देखो बेटा, हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारे पिताजी ने हमारी बहुत सहायता की थी, और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि हम उनके किए हुए उपकारों का कहीं थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए कुछ करके अगर बदला चुकाने की कोशिश भी कर सके। इसलिए बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और वहीं हमारे साथ रहो। नहीं 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 सर, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा, क्यों नहीं चल सकते? आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहोगी। चलो बस। नहीं नहीं सर, आपको परेशानी होगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, बस हमने कह दिया ना, बस अब जल्दी से अपना सामान उठाओ और चलो। चलो चलो चलो, हम कह रहे हैं ना, चलो चलो उठो उठो, उठाओ सामान उठाओ अपना बस। अरे जल्दी चलो सर। अरे चलो। आदर्श, वो बाबा ना प्रतिज्ञा भौजाई को घुमाए खातिर मुंबई ले जा रहा है, इसलिए तुम भी हमका मुंबई ले जाओ ना। हाँ जरूर ले जाएंगे, एक बार हमारी नौकरी पक्की होने दो फिर तुम्हें जरूर ले जाएंगे। वैसे भैया हमारा भी बहुत मन है कि हम मुंबई घूमें। हाँ हाँ, तुम तो मुंबई जा सकते हो, बाकी पहले अपने लिए एक बढ़िया सा पति तो ढूंढ लो। अरुषि देखो कौन है। हाँ हाँ देख लो, हो सकता है तुम्हारा पति आया हो। भाभी ये आप क्या बोले जा रही हैं? और भैया आप भाभी को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ ऋषि, हो सकता है कोमल की बात सच हो जाए, जाके देखो तो सही। क्या भैया ये गलत बात है। हाँ अब आप और भाभी दोनों मिलकर हमको चढ़ाएंगे, ठीक है फिर हम भी बताएंगे आप, देखना। पापा देखिए ना भैया और भाभी को, कब से हमें चढ़ाए जा रहे हैं, कह रहे दरवाजा खोलो तुम्हें तुम्हारा। बेटा ये तन्मय है, आओ बेटा अंदर आओ। माँ ये तन्मय। जीते रहो, बैठो बेटा। माँ ये अपने हरी का बेटा है, हरिशंकर श्रीवास्तव, याद है ना आपको? हाँ हाँ, हरी को हम कैसे भूल सकते हैं। तन्मय ये हमारा बेटा आदर्श। हाय तन्मय। और ये
कोमल उसकी पत्नी और ये हमारी छोटी बेटी आरुषि। चाचा जी चाची नहीं दिख रही है। बेटा वो अपने मायके गई, पिछले काफी दिनों से उनकी माँ की तबीयत खराब चल रही है। अच्छा, पर हाँ जैसे ही उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे एक बात हम आप सभी लोगों को बता दें कि आज से तन्मय इसी घर में हम सबके साथ यहीं पर रहेगा।